आज मैं आपको बताऊंगा कि गुलाब के पौधे की रूट पोर्डिंग क्यों की जाती है किस पौधे की की जाती है कब से कब तक करना चाहिए और रूट पोर्निंग के बाद इसकी देखभाल कैसे की जाती है इन सभी सवालों का जवाब आज मैं दूंगा रूट पोर्डिंग का मतलब है पौधे की जड़ को काटना तो यदि आपने गुलाब के पौधे को लगा रखा है तो आप इस वीडियो को पुराके तक जरूर देखिएगा तो सबसे पहला सवाल है इसकी रूट प्रोनिंग क्यों की जाती है जब हम इसके पौधे को गमले में लगाते हैं तो क्योंकि गमले में जगह महदूद होता है इसकी जड़ को फैलने के लिए बहुत कम जगह मिलती है तो एक समय ऐसा आता है कि गमले में जगह नहीं बचता है और इसकी नई जड़ों को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती है और पुरानी जड़ों को बढ़ने के लिए भी जगह नहीं मिलता है तो जिससे इसकी जड़ की ग्रोथ धीरे धीरे रुकती है और इसका असर ऊपर दिखता है इसमें फ्लावर कम खिलता है फ्लावर का साइज छोटा होने लगता है ब्रांचेस की ग्रोथ कम होती है बहुत सारी खाद और फर्टिलाइजर को देने के बाद भी पौधे में रिजल्ट बहुत कम दिखता है क्योंकि जब जड़ गमले में भर जाती है तो जो हम इसमें खाद और फर्टिलाइजर और पानी देते हैं उन सारी चीजों को इसकी जड़ सही से नहीं ले पाती है जिस कारण से अक्सर पौधे में बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जाती है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ग्रोथ रुक जाती है और दूसरा सवाल है किस पौधे की रूट पुर्निंग करनी चाहिए तो यदि आपने किसी पौधे को चार पांच इंच के या फिर छह सात इंच के गमले में लगा रखा है तो उस पौधे की रूट पुर्निंग नहीं करनी है बल्कि उस पौधे को उसमें से निकाल कर उसकी जड़ को थोड़ा बहुत खोल देना है और उसके बाद उसे आठ दस इंच के गमले में लगा देना है या फिर आप सीधा बारह इंच के गमले में भी लगा सकते हैं रूट पूर्णिंग करने के लिए पौधा कम से कम आठ दस इंच के गमले में लगा होना चाहिए और आप उससे बड़े गमले में उस पौधे को नहीं लगा सकते हैं तभी रूट प्रोनिंग करनी है अगर आप पौधे को 10 इंच के गमले से निकाल कर चौदह पंद्रह इंच के गमले में लगा सकते हैं तब आपको इसकी रूट प्रोनिंग नहीं करनी है यानी कि पौधे की जड़ को तभी काटना है जब आप जिस गमले में लगाए हुए हैं वो गमला आखड़ी हो और आप पौधे को उससे और बड़े गमले में नहीं लगा सकते हो तब अगर और बड़ा गमला दे सकते हैं तो आपको रूट पर्निंग नहीं करनी है <गली> तीसरा सवाल है कब करना है तो आप रोड प्लानिंग साल में दो दफा कर सकते हैं पहली दफा सितंबर से लेकर नवंबर तक कर सकते हैं लेकिन आपको 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक कर लेना चाहिए जितना पहले आप करेंगे आपको पौधे से उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा और फ्लावरिंग सीजन में भरपूर फ्लावर खिलेगा और आपको दूसरा समय मिलेगा फरवरी महीने में पंद्रह फरवरी से लेकर आप पंद्रह मार्च तक कर सकते हैं और ये जो मैं आपको समय सीमा बता रहा हूँ ये अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में चेंज हो जाएगा ये आपको मैं नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से बता रहा हूँ तो आप सवाल है कैसे करना है तो बस आपको पौधे को पूरा रूट बॉल के साथ गमले में से बाहर निकाल लेना है मेरे इस पौधे में जड़ कम है क्योंकि बारिश के सीजन में इसमें जड़ में, में प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से ब्रांचेस में डाई बैक हुआ और पौधे का कुछ तना खराब हो चुका है जिस वजह से जड़ भी कुछ हद तक बरसात के पानी की अधिकता से सर गल खत्म हो चुका है तो खैर इसमें थोड़ा जड़ तो कम है फिर भी इसकी रूट प्लानिंग करना जरूरी है पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए साल में दो दफा रूट पोनिंग करनी चाहिए अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक दफ़ा तो कर ही देना चाहिए तो आप पौधे की 30 से 40 प्रतिशत जड़ को काट सकते हैं इससे ज्यादा जड़ को काटने की जरूरत नहीं पड़ती है मैंने लगभग 40 प्रतिशत जड़ को काटकर मिट्टी के साथ हटा दिया है इसके जड़ को काटने से इसका पौधा नहीं मरता है तो आपको ये काम करने में नहीं डरना है बस सही टाइम पर इस काम को अंजाम देना है बात की जाए इसके पोटिंग मिक्स की तो आप गुलाब के किसी भी पौधे को 30 प्रतिशत मिट्टी 30 प्रतिशत कम्पोस्ट कम्पोस्ट में वर्मी कम्पोस्ट और लीफ कम्पोस्ट इसके लिए बेहतर है काउडंग कम्पोस्ट भी ले सकते हैं लेकिन कम से कम वो एक दो साल पुराना होना चाहिए और 40 प्रतिशत सैंड लेना है सैंड कितना लेना है ये आपकी मिट्टी पर भी निर्भर करता है यदि आपकी मिट्टी में सैंड की मात्रा पहले से ज्यादा है तो आपको सैंड कम लेना है और इसके अलावा अगर आपके पास नदी के आस पास उसकी सैंडी सॉइल है तो आप उसमें सिर्फ 30 तीस प्रतिशत कम्पोस्ट को मिलाकर लगा सकते हैं उस में दोबारा सैंड नहीं मिलाना है और इसके अलावा पोटिंग मिक्स में लगभग दो ग्राम फंगीसाइड को भी मिला देना है ये साफ फंगीसाइड है आपके पास कोई और फंगीसाइड हो तो आप उसकी भी एक से दो ग्राम मात्रा को यूज कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें आपको लगभग 10 इंच के गमले में 2.5 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है यदि पौधा बड़ा है तो आप ज्यादा से ज्यादा पांच ग्राम ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका पौधा इतना बड़ा है तो आपको टू पॉइंट फाइव ग्राम ही लेना है सिंगल सुपर फॉस्फेट की खासियत यह है कि ये नई जड़ों की विकास में मदद करती है जिससे पौधे में कम वक्त में नई जड़ निकल आती है बेहतर तो यही है की आप सिंगल सुपर फॉस्फेट को लीजिए यानी की एस को अगर ना मिले तो आप डी को भी ले सकते हैं अब इन सभी को मिक्स कर देना है और पौधे को लगा देना है पौधे को लगाने में इस बात का ख्याल रखना है कि पोटिंग मिक्स को पूरा दबा दबा कर भर देना है बीच में एयर गैप नहीं होना चाहिए अब इसे लगाने के बाद सबसे पहली दफा जो पानी देना है उस पानी में आपको ह्यूमिक एसिड मिलाकर दे देना है दो ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोलना है और जितनी मात्रा में पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है उतना दे देना है तो अब आपको करना यह है कि पौधे में दोबारा पानी ज़रूरत के हिसाब से देना है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम बस मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखनी है और दूसरा आपको ख्याल रखना है कम से कम तीन चार दिनों के लिए पौधे को ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर मॉर्निंग की धूप पड़ती हो उसके बाद की धूप ना पड़े लेकिन धूप की रोशनी पड़ती रहे इसकी ब्रांचेस को अभी नहीं काटना है बल्कि आपको 20-25 दिनों के बाद काटना है और यदि आपने सितंबर महीने में इसकी रूट प्रोनिंग की है तब आपको 40-45 दिनों के बाद इसकी ब्रांचेस की प्रोनिंग करनी है और हाँ जब इसकी 20-25 दिनों के बाद इसकी ब्रांचेस काटना है तो इस बात का ख्याल रखिए बहुत ज्यादा इसकी ब्रांचेस को नहीं काटना है बस ऊपर से चार पांच इंच को काट हटा देना है हार्ट प्रोन करने की जरूरत नहीं है इसकी रूट प्रोनिंग करने के बाद इसका पत्ता सूख कर गिरेगा भी पीला भी होगा इसकी ब्रांचेस भी ऊपर से सूखेगी इन चीजों से आपको टेंशन नहीं लेना है ये नेचुरल है अक्सर यह होता ही है दोबारा पानी तो आपको तभी देना है जब इसकी मिट्टी में नमी की कमी हो जाए लेकिन बेहतर है कि आप इसके पत्ते पर पानी का स्प्रे कीजिए जिससे इसका पत्ता साफ़ सुथरा रहेगा और कम गिरेगा और नई ग्रोथ भी कम वक्त में शुरू हो जाएगी तो अब सवाल है कि दोबारा खाद कब दिया जाए तो यदि आपने पोटिंग मिक्स में 25-30 प्रतिशत कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है तब आपको दोबारा खाद 20-25 दिनों के बाद देना है और यदि आपने पौधे को खंगर में लगाया है तो सात दिनों के बाद खाद देना है तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी